हेलो एवरीवन, मैं वैभूति तरमारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे कोर्स अप्लाइड मैकेनिक्स में। आज के 35th लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन बीम टू कैलकुलेट द रिएक्शंस। लेट अस समराइज द प्रीवियस लेक्चर। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ बीम एंड टाइप्स ऑफ सपोर्ट। So in types of beam, we have discussed about the various beams such as our simply supported beam, cantilever beam, overhanging beam, continuous beam and truss beam. We have also discussed about the types of support, that is a fixed support, simply support. Then we have also discussed about the roller support and hinge support. तो आप सभी ने इन questions को अच्छे से देखा होगा, उनके diagrams को भी आपने अच्छे से identify किया होगा। Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to determine the reaction in a given type of a beam analytically. These are the program outcome which are going to be achieved after successful completion of this lecture. So let us start our today's lecture. जब भी हम numericals को calculate करना चाहते हैं तो हमें loads के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि beam के ऊपर क्या act होते हैं, loads act होते हैं। दोस्तों देर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ ए लोड, है ना। पहला जो लोड होता है दैट इज पॉइंट लोड, जिसका दूसरा नाम जो है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड लोड। पॉइंट लोड का दूसरा नाम क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड लोड। फिर आता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको हम बोलते हैं UDL। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? UDL। और फिर आता है आखिरी में यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, इसको हम बोलते हैं UVL। सो बेसिकली दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ लोड, या इसका दूसरा नाम टाइप्स ऑफ लोडिंग भी है, कुछ जगह पे लोडिंग भी दिया हुआ है। ओके, सो बेसिकली दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ लोड्स अवेलेबल। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट लोड। पॉइंट लोड मतलब क्या? एक ऐसा लोड जो एक पॉइंट पे लगता है ना, एक पॉइंट पे एक्ट होने वाले लोड को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम? पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड। व्हेन द लोड एक्ट्स कॉन्सेंट्रेटेड एट अ डेफिनाइट पॉइंट देन इट इज नेम एज कॉन्सेंट्रेटेड लोड और पॉइंट लोड। जब एक पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर 6 kN का फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उस पॉइंट के ऊपर लग रहा है, इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड बोलते हैं या पॉइंट लोड बोलते हैं। इसी डायग्राम को हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो एक पॉइंट पे लगने वाले लोड को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड। दूसरा जो टाइप है लोड का दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हमको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? UDL। ओके, सो UDL क्या होता है? UDL को हम इस प्रकार से दिखाते हैं डायग्राम के अंदर, और इसकी जो इंटेंसिटी होती है लेंथ के अपॉन, ये लेंथ है, लेंथ ऑफ ए बीम है ये, इस लेंथ के ऊपर इसकी जो इंटेंसिटी होती है ये सेम होती है, इसलिए हम इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं। ओके, द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज अ लोड विच इज स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैला हुआ ऑन सम लेंथ ऑफ ए बीम, एक बीम के ऊपर फैला हुआ लोड। द रीजन इट इज मेजर्ड इन द इंटेंसिटी विथ यूनिट्स न्यूटन पर मीटर, हम इसको न्यूटन पर मीटर में देखते हैं, मतलब एक न्यूटन कितने मीटर के लिए इसमें इसकी इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं। इफ द इंटेंसिटी इज कॉन्स्टेंट अलोंग द लेंथ देन इट इज नेम्ड एज UDL, ना, उसको हम UDL बोलते हैं। इसकी जो इंटेंसिटी होती है ये लेंथ के अपॉन क्या होती है? सेम होती है, कॉन्स्टेंट होती है, तो उसे हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं। लास्ट जो टाइप ऑफ लोड होता है दैट इज नथिंग बट द यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड। तो यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड मतलब क्या? नाम में ही है, है ना, नाम में ही है, उसमें लिखा कि ये जो लोड है ये थोड़ा 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 बढ़ रहा है और यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, बराबर यूनिफॉर्मली ये लोड बढ़ते हुए जा रहा है इस लेंथ के ऊपर, ना, बीम के लेंथ के ऊपर ये जो बीम है ये क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मली बढ़ते बढ़ते जा रहा है। सो व्हेनेवर द लोड इज डिस्ट्रीब्यूटिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम varies in the intensity uniformly, बराबर है, varies in the intensity uniformly according to the some law, कुछ law के अनुसार वो intensity बढ़ रही है, then it is named as uniformly varying load,
और ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। क्या दिया है क्वेश्चन में, पढ़िए। अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 6 मीटर हैज टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड ऑफ 8 kN एंड 10 kN एट 2 मीटर अपार्ट एंड 4 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, फाइंड द रिएक्शंस। तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी हमको प्रॉब्लम दिया जाता है तो हम प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है। हमको क्या करना है बेटा, प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले दिया आपको कौन सा सपोर्ट दिया हुआ है, सिंपली सपोर्ट। ओके, तो आपने सिंपली सपोर्ट बना लेना है। हमने देखा था सिंपली सपोर्ट को इस प्रकार से बनाते है ना, दिस इज अ सिंपली सपोर्ट ऑफ बीम 6 मीटर स्पैन। स्पैन मतलब इसकी लंबाई। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 6 मीटर। ओके, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 6 मीटर। ओके, से इस पॉइंट को हम ए बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बी बोलते हैं। तो ए से निकलने वाली रिएक्शन को हम आर ए बोलेंगे, बी से निकलने वाली रिएक्शन को हम आर बी बोलेंगे, बराबर है। फिर क्या बोला है, वो बोल रहा है कि ये बीम के ऊपर दो कॉन्सेंट्रेटेड लोड आ रहे हैं। कॉन्सेंट्रेटेड लोड मतलब पॉइंट लोड आ रहे हैं, जो कि जिसकी वैल्यू है 8 kN और 10 kN, वह 2 मीटर और 4 मीटर पे है लेफ्ट सपोर्ट से। मतलब ये जो 8 kN है ये लेफ्ट से 2 मीटर पे है, और ये जो 10 kN है ये लेफ्ट से 4 मीटर पे है। तो सबसे पहले हम 8 kN को बनाते हैं। ये 8 kN का फोर्स है, ये लेफ्ट सपोर्ट, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट सपोर्ट से 2 मीटर पे है। ओके, और ये जो 10 kN का है, ये 10 kN का जो है वो लेफ्ट सपोर्ट से कितना दूर है, 4 मीटर पे दूर है। और हमें बोल रहा है कि ये रिएक्शन निकालो ना, आर ए और आर बी को हमें फाइंड करना है, आर ए एंड आर बी को हमें फाइंड करना है, रिएक्शन हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो जब भी हम रिएक्शंस निकालेंगे तो हमें क्या करना है, हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या है हमारी, सम ऑफ हॉरिजेंटल फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो, सम ऑफ हॉरिजेंटल फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो है ना। इधर वाले हमारे पॉजिटिव रहते हैं, इधर वाले निगेटिव रहते हैं। तो डायग्राम के अंदर आपको कोई ऐसा फोर्स दिख रहा है क्या, ऐसे कोई फोर्स है जो हॉरिजेंटल नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। ओके, फिर दूसरा होता है कंडीशन हमारा, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो। हम ऊपर वाले फोर्सेस को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाले फोर्सेस को निगेटिव लेते हैं। देखिए आर ए भी एक प्रकार का फोर्स है, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसलिए क्या होगा, ये प्लस आर ए। ओके, ये जो 8 kN है कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसलिए -8 kN। ये 10 kN भी कहाँ जा रहा है, नीचे, -10 kN। और ये आर बी कहाँ जा रहा है, ऊपर, सो प्लस आर बी इक्वल्स टू क्या रहेगा, जीरो। ओके, फिर ये 8 kN और 10 kN उधर चले जाएंगे, तो ये माइनस के क्या हो जाएंगे, प्लस। ओके, सो इधर क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी लेफ्ट साइड में बच जाएंगे, और उधर प्लस 8 चला जाएगा, और ये -10 का भी वहाँ पे +10 हो जाएगा। तो हमें आर ए प्लस आर बी की वैल्यू मिल जाएंगी ऐसे, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 8 + 10 इज हाउ मच, 18। तो हमें एक इक्वेशन मिला यहाँ पे, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 18। ओके, लेकिन हमको आर ए अलग चाहिए और आर बी अलग चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो हमें मोमेंट लेना पड़ेगा। मतलब हमारी थर्ड कंडीशन, सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ए, ये भी इक्वेशन कंडीशन है हमारी, कंडीशन नंबर 3, जिसमें हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं मोमेंट को, और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लेते हैं, आपने पढ़ा होगा ये। तो मोमेंट ए पे लेना है, बराबर है, ए पे मोमेंट लेना है आपको यहाँ पे। तो क्या आर ए से ही पास हो रहा है, तो उसका मोमेंट जीरो रहता है, पढ़ा है हमने, सो आर ए इंटू जीरो। ओके, फिर ये जो कलर चेंज कर देता हूँ मैं अभी, देखिए ये आर्ट जो है ए की तरफ कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, प्लस कौन आया, आर्ट आया, इनटू ये आर्ट का कितना डिस्टेंस है ए से, ए से कितना डिस्टेंस है आर्ट का, 2, बराबर 2। उसके बाद फिर ये जो 10 kN है, 10 kN में कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, प्लस कौन आया, 10 आया, बराबर है, प्लस 10 इंटू 10 का ए से डिस्टेंस कितना है, 10 का ए से डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। ओके,
आरबी आरबी है, आरबी ए की तरफ कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस। सो आरबी ई टू, आरबी का कितना डिस्टेंस है, ए से आरबी का ए से डिस्टेंस कितना है 6 मीटर, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो आर ए इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16, प्लस 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40, 6 इंटू आर बी माइनस 6 आर बी इक्वल्स टू 0, माइनस आर बी उधर चले जाएंगे और इन दोनों का एडिशन हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 56, 56 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 आर बी। तो आपको आर बी की वैल्यू मिलेगी, आर बी क्या मिलेगा 56 डिवाइडेड बाई 6। सो आर बी कितना मिलेगा आपको, 56 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा, 56 डिवाइडेड बाई 6 इज हाउ मच 9.33, बराबर है। तो आपको आर बी की वैल्यू कितनी मिली 9.33 किलो न्यूटन। ओके, फिर हमें यह पता है आर ए प्लस आर बी हमारे पास कितना है, आर ए प्लस आर बी हमारे पास कितना है 18 है, बराबर है। हम यहाँ पे आर बी की वैल्यू पुट कर लेते तो हमको आर ए मिल जाएगा। सो आर ए प्लस आर बी कितना है 9.33 इक्वल्स टू 18। ओके, तो 18 में से माइनस करना पड़ेगा तो हमें आर ए मिल जाएगा। तो 18 माइनस 9.33 कितना मिलेगा हमें 8.67, बराबर है। तो आर ए कितना मिलेगा हमको 8.67 किलो न्यूटन। सो दिस आर द वैल्यू ऑफ आर ए एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ आर बी। समझ में आया क्या सभी को, एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये। ओके, अभी हम दूसरा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अ सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है, सपोर्टेड एट ए एंड बी, ए और बी पे वो सपोर्ट किया गया है और ए बी की लेंथ 5 मीटर है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अभी। एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है आपको, सपोर्ट किया गया है ए पे और बी पे। ए बी मतलब इसके टोटल जो डिस्टेंस दिया हुआ है आपको ये 5 मीटर का दिया हुआ है। इट कैरीज 3 पॉइंट लोड, 3 पॉइंट लोड आ रहे हैं इसके ऊपर, 30 किलोन्यूटन, 40 किलोन्यूटन और 50 किलोन्यूटन, एक्टिंग एट अ डिस्टेंस 2 मीटर, 2.5 मीटर एंड 3 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन। ओके, पहला जो है वह है 30 किलोन्यूटन का, दूसरा है 40 किलोन्यूटन का और नेक्स्ट वाला है कितने का, 50 किलोन्यूटन का। ओके, ये कहाँ कहाँ पे लग रहे हैं, पहला वाला जो है ये 2 मीटर पे है लेफ्ट से, दूसरा वाला है 2.5 मीटर पे और आखिरी वाला जो है 50 वाला ये जो है कहाँ पे है 3 मीटर पे है। ओके, बराबर ध्यान देना है। और हमें रिएक्शंस निकालनी है आर ए और आर बी। ओके, तो स्टार्ट करेंगे अभी हम। ओके, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमको निकालना है समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, पहली कंडीशन, राइट वाले प्लस लेफ्ट वाले माइनस, कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल इसलिए 0 रहेगा। समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, ऊपर वाले फोर्सेस पॉजिटिव, नीचे वाले फोर्सेस निगेटिव। आर ए कहाँ पे जा रहा है, ऊपर, इसलिए प्लस आर ए। 30, 40, 50 तीनों के तीनों नीचे जा रहे हैं इसलिए माइनस, 30 माइनस 40 माइनस 50। आर बी कहाँ जा रहा है, ऊपर, प्लस आर बी इक्वल्स टू 0। तो अभी ये माइनस 30 माइनस 40 माइनस 50 सब उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे तो हमें मिलेगा आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50। ओके, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30, 40, 50, 120 हो जाएगा ना, 120 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गया। फिर थर्ड स्टेप क्या है हमारी, समेशन मोमेंट एट ए इक्वल्स टू 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। ए पे मोमेंट लेना है यहाँ पे, ठीक है, ए पे मोमेंट लेना है। तो आर ए तो वहीं से निकल रहा है तो आर ए इंटू 0 कर लेंगे हम। फिर 30 कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, प्लस 30 का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, 30 का डिस्टेंस कितना यहाँ से आता है 2 मीटर। फिर 40 भी कैसा आएगा, एक ही तरफ क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज आएगा तो प्लस, तो 40 इंटू 40 का डिस्टेंस कितना है, ये 40 का डिस्टेंस यहाँ से आता कितना है 2.5, कितना है 2.5। ओके, फिर ये 50 भी कैसा आएगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, सो 50 इंटू कितना डिस्टेंस है बेटा 3 मीटर, सो 50 इंटू 3।
और ये आर बी बच गया, अभी आर बी कैसा आएगा एंटी क्लॉकवाइज, सो आर बी हर बार एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, दैट इज माइनस आर बी इंटू आर बी का डिस्टेंस कितना है, टोटल स्पैन कितना है 5, ओके इक्वल्स टू 0। तो देखते हैं अभी कितना आ जाएगा, ये आर ए इंटू 0 इज 0 प्लस 30 इंटू 2 इज हाउ मच 60 प्लस 40 इंटू 25 कितना हो जाएगा 100, 40 इंटू 2.5 इज 100 प्लस 50 इंटू 3 इज 150 माइनस 5 आर बी इक्वल्स टू 0। इसके एडिशन करिए कितना आ जाएगा, ये 100 150 मतलब 250 और 60 310 इक्वल्स टू 5 आर बी बराबर है, तो आर बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर बी इक्वल्स टू 310 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा बताइए, 310 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा 60, 310 डिवाइडेड बाय 5 62, ओके सो दिस वैल्यू इज हाउ मच 62 किलो न्यूटन। तो ये हमारी आर बी की वैल्यू आ गई, फिर हम क्या करेंगे आर ए प्लस आर बी में वैल्यू पुट कर लेंगे, ये 65 बराबर है क्या, 60 प्लस 100 प्लस 150 310 डिवाइडेड बाय 5 इज 62, ओके। फिर अभी हम आर ए प्लस आर बी की वैल्यू हमको पता है, आर ए प्लस आर बी कितना है हमारे पास 120 है, सो आर ए प्लस आर बी की वैल्यू कितनी है हमारी 62 आई थी इक्वल्स टू 120, तो उधर जाके 62 माइनस हो जाएगा, तो आर ए की वैल्यू कितनी मिलेगी 120 माइनस 62, सो 120 माइनस 62 कितना हो जाएगा 58, ओके सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ आर ए इज 58 किलो न्यूटन। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर ए एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ आर बी, ओके आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। So this is the unit outcome that we have achieved. In today's lecture, we have discussed about the point load, uniformly distributed load, that is UDL, and uniformly varying loads. We have also solved the two numericals on beams to find out the various reactions. These are the program outcomes that we have achieved. These are the most likely questions asked in MSBT. In sabhi questions ko aapne solve karna hai aur uska PDF mujhe भेज देना है, ओके सो थैंक यू वेरी मच गाइज, इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑन बीम टू फाइंड आउट द रिएक्शंस दैट इज टाइप नंबर 2। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैकेनिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए, थैंक यू।